नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नामिका कौशिक। आज से ठीक दो साल पहले यानी कि 8 दिसंबर साल 2021 को भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के नीलगिरी के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से उनकी मौत हो गई थी। जनरल रावत बहादुर आर्मी ऑफिसर थे और उनकी दो बेटियां हैं, जिन्हें लेकर ऐसा कहा जाता है कि जितने बहादुर जनरल रावत थे उतनी ही बहादुर उनकी दोनों बेटियां हैं। इतना ही नहीं, उनकी बड़ी बेटी का नाम कृतिका रावत है और उनकी शादी भी हो चुकी है और वो मुंबई में अपने फैमिली के साथ रहती है। वहीं छोटी बेटी का नाम तारिणी रावत है जो कि प्रोफेशन से वकील है। वो दिल्ली में रहती है और दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। इन सब के अलावा आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत का पूरा परिवार सेना से जुड़ा हुआ है। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए थे। पिता ने उनमें देशभक्ति को लेकर जोश भरा था। खैर, इन सब के अलावा आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड की वादियों में ही रहने का फैसला किया था। तो कैसी लगी जानकारी मुझे कमेंट में बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम जानकारियों और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 44 पर। नमस्कार।